फ्यूल प्रेशर को मेजर करने के लिए हम जो है टारगेटेड और जो फ्यूल प्रेशर एक्चुअल है उन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। टारगेट फ्यूल प्रेशर वो है कि इतना होना चाहिए, और फ्यूल रेल प्रेशर मतलब जो एक्चुअल अभी है। फ्यूल प्रेशर देखो, मैं अगर आपको टारगेट फ्यूल प्रेशर और फ्यूल प्रेशर कंबाइन करके दिखाऊं तो दोनों बिल्कुल बराबर चलने चाहिए। देखो ये मिलके चल रहे हैं, अब मैं रेस दूंगा, आरपीएम बढ़ रहे हैं तो ये भी उसी हिसाब से चल रहा है, दोनों मिक्स होके चल रहे हैं। जब तक आप सडनली पैडल नहीं छोड़ देते, जब छोड़ोगे एकदम से तभी थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आएगा। देखो ये थोड़ा डिफ्लेक्शन आया एकदम से पैडल छोड़ने पे, नहीं तो वैसे बराबर ही चलेंगे। टारगेट फ्यूल प्रेशर और अचीव्ड फ्यूल प्रेशर, कोई चेकलाइट नहीं है खैर। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे बिल्कुल दोनों लाइनें टारगेट फ्यूल प्रेशर और एक्चुअल फ्यूल प्रेशर की मिलके चल रही हैं। अगर टारगेट फ्यूल प्रेशर आपका एक्चुअल वाले से अलग भाग रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर पैडल पोजीशन आपने दबाई हुई है और वो अलग जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रेशर जो है लीक हो रहा है। अब वो इंजेक्टर भी आपके डैमेज हो सकते हैं तो प्रेशर लीक होगा, या आपका पंप हाई प्रेशर पंप पूरा रेल प्रेशर नहीं बना रहा है तो भी प्रेशर डिफ्लेक्ट होगा, आपकी पाइपलाइन सही नहीं है, फिल्टर चोक है, एयर आ रही है कहीं से तो भी प्रेशर डिफ्लेक्ट होगा। अभी एंड में आप देख रहे हो इस ग्राफ के कि दोनों लाइनें अलग अलग पॉइंट्स पर हैं, वो इसलिए है कि आप सडनली पैडल छोड़ोगे तो ये थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन आपने एक जगह प्रेस किया हुआ है तो फिर इस तरीके से डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, वो दोनों मिल करके चलेंगी। अंत में यही होगा कि अगर आपने सब कुछ चेक कर लिया है इंजेक्टर पंप रेल, तो अंत में यही है कि कहीं ना कहीं प्रेशर सेंसर में प्रॉब्लम है, तो उसको फिर चेंज करके देखना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।